पिक्चर तो विष्णु जी की है, पूरे कहानी के ये रचना कैसे होगी, कैसे शूट होगा विष्णु जी काफ़ी बताएंगे हमको, तो उसमें काम करना है। इसके बाद आज से मुझे बताएंगे क्या क्या करना है। एक्चुअली ये जो हमारी आज फिल्म की, जिस फिल्म का मुहूर्त हुआ है, फिल्म का नाम है, नाम को लेके बहुत डिस्कशन चल रहा था, काफ़ी हम लोग एक हफ्ते से परेशान थे, लेकिन चलिए फाइनली एक नतीजे पे पहुँचे हैं। फिल्म का नाम है बीन के धुन। बीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीन एक ऐसा साज है जो अक्सर बचपन से, अगर हम लोगों ने सांप मदारी को देखा होगा तो सपेरा बजाता रहता है, और ऐसी भी बात कही जाती है कि बीन के धुन से नाग और नागिन हमेशा प्रभावित होते हैं, उनको नाचते हुए देखते हैं। साइंटिफिक रीजन कितना इसमें सच है ये तो हमें नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बीन के धुन पे नाग और नागिन नाचते हैं। तो हमारी फिल्म का टाइटल है बीन के धुन, तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होता है कि इसमें एक सपेरा भी होगा और इसमें एक नाग होगा और एक नागिन होगी। तो ये मेरे जैसे बीन बजावे सपेरा मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसके बाद में ये मेरी दूसरी फिल्म होगी जो मैं नाग नागिन से पे आधारित ये फिल्म होगी, और काफ़ी रोचक तरीके से इसको बनाने की कोशिश होगी। जैसा कि आप लोगों ने उस फिल्म को प्यार दिया था, मुझे उम्मीद है ऐसे भी प्यार देंगे, तो एक नाग नागिन और सपेरे के बीच का एक प्यार, मोहब्बत, रिवेंज, इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, और मेरी फिल्म थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी और सब फिल्मों से। तो यही सोच के इस फिल्म का टाइटल हमने रखा है बीन के धुन। स्टार कास्ट पे अभी सर्चिंग चल रहा है, चूंकि कर्पूरम फिल्म्स जिस बैनर से हमने ये फिल्म बनाई है, इसके ठीक इसके पहले हमने जो फिल्म बनाई थी अनाथों के नाथ भोलेनाथ, तो प्रोडक्शन हाउस वही है, उसकी ये दूसरी फिल्म होगी। तो अभी तक जो क्लियर है वो क्लियर फिगर में सबसे एक नाम अभी क्लियर है कि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, और हमारे राइटर हैं ओम यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, उनको भी फाइनल हुए हैं, और मेन स्टार कास्ट हमारे छोटू छलिया जी हैं। बाकी के स्टार कास्ट जैसे हमारी स्क्रिप्ट आएगी, कैरेक्टर्स जैसे सामने आएगा, अरुण काका जी हैं, तो अरुण काका जी हैं उसमें, जी हाँ, हमारे अरुण काका तो कर्पूरम फिल्म के एक बहुत अच्छे अभिन्न अंग हैं, पार्ट हैं, तो बाकी कैरेक्टर्स जो है हम बहुत जल्दी क्लियर करने वाले हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर भी आर पंकज जी हैं। हाँ, तो हमारे फिल्म के जो काम, तो काफ़ी संगीत पे तो काफ़ी काम आगे निकल चुका है इस पिक्चर का। जी, तो फिर इसी तरीके से मतलब ये चल रहा है कि अब मतलब छोटू जी इसमें थोड़े अलग अंदाज में दिखने वाले हैं, और बाकी चीज़ें हम बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग की बात की जाए तो फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी? फिल्म की शूटिंग, जैसा कि अभी लॉकडाउन आप जान ही रहे कि पैंडेमिक पीरियड में मुंबई में करना कठिन हो रहा है, मुंबई में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादातर संभावना है कि अगर सब कुछ माहौल ठीक रहा तो या तो हम इसकी शूटिंग झारखंड करेंगे या तो बिहार करेंगे। फिल्म में गाने की बात करें, गाने किस प्रकार के रहेंगे? गाने जो है, फिल्म जो है पूरी तरह से म्यूजिकल फिल्म है, बीन के धुन नाम से ही म्यूजिकल है, तो जाहिर सी बात है कि फिल्म पूरी तरीके से म्यूजिकल होगी, और इसमें मतलब आपको ये मतलब संगीत ऐसा होगा जो आपको आपके हृदय को छुए और आपको कहीं कहीं झूमने पे मजबूर करे, तो वैसा संगीत हम हमेशा, मेरी फिल्मों के संगीत बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, तो उसी तरीके से इस फिल्म के भी बहुत साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन और पूरा म्यूजिकल मामला है, तो आपको संगीत बेहद पसंद आएगा। उस पर काम चल रहा है, हम लोग लगातार एक से एक गाने जो हमारे पास आ रहे हैं उसको, जो अच्छे लग रहे हैं उसको चुनते जा रहे हैं, तो म्यूज़िक बहुत। दर्शकों के बीच कब तक आएगी ये फिल्म? दर्शकों के बीच मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी जुलाई चल रहा है, तो हम लोग इसकी शूटिंग सितंबर टारगेट किए हुए, सितंबर या अक्टूबर के आसपास करेंगे, तो दो तीन महीने पोस्ट प्रोडक्शन, चूँकि इसमें थोड़ा सा VFX है, तो हम लोग संभावना है कि हम लोग अगले ये जो महाशिवरात्रि होता है उसमें हम इस फिल्म को देख पाएंगे। छोटू जी, आप क्या कहना चाहेंगे, दूसरी बार वापसी कर रहे हैं? नहीं, हाँ, वाकई में ये दूसरी पिक्चर है मेरी, और बीन के धुन, और जहाँ तक हम बता सकते हैं, सर जो बताए आपको, गाने पे खुद मैं बैठता हूँ। अपने पिक्चर अनाथों के नाथ भोलेनाथ की भी गाने आप लोग देखिएगा, तो बहुत जल्द रिलीज भी है वो, उसका भी और इसका भी, गाने पे बैठता हूँ मैं खुद कि अच्छा से अच्छा गाने हो, और वो गाने हो जो सब एक साथ बैठ के सुन सके और देख सके, और सुनने में भी बढ़िया हो। फिल्म में गाने आप ही गाएंगे कोई और स्टार? नहीं, सब लोग गाएंगे, जो जिस पे शूट बैठे गाने
वो सब लोग आएंगे। गाने जिस मूड के बनेंगे उसका ये कोई जरूरी नहीं कि छोटू जी भी कुछ गाने गाएंगे, लेकिन छोटू के अलावे भी जो गाना अगर लगता है कि ये गाना कोई और बेटर गाएगा तो हम लोग, हम जैसे अनाथों के नाथ में भी कई सिंगरों ने गाया गाना। तो सर आप क्या बधाई देना चाहेंगे? पहले सर से लीजिए बधाई, देन मैं देती हूँ। सर आप दीजिए पहले। काका क्या कहना चाहेंगे बिन के धुन? सबसे पहले हम अरुण सिंह भोजपुरिया का तमाम श्रोता के, भोजपुरी जाने वाला, भोजपुरी समझे वाला और भोजपुरी देखे वाला के प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी। और आज बहुत खुशी के बात बा कि हमनी के कर्पूरम प्रोडक्शन हाउस से हमनी के दूसरा फिल्म, पहला फिल्म रहे अनाथों के नाथ भोलेनाथ, और आज दूसरा फिल्म हमनी के बीन के धुन, जेकर डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी, यानी हमनी के टीम ही उहे बा जौन पिछला हमनी के फिल्म कैनी जा। डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी जौन कि हमनी के बहुत अजीज मित्र और हमार छोट भाई छोटू छलिया एमे हीरो बने, ओ पी कश्यप जी ये फिल्म में बने, आर आर पंकज हमारे छोट भाई है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बने, हमें फिल्म में अभिनय करते नहीं। और बाकी स्टार कास्ट अभी फाइनल नहीं खेल, अब कल से शुरू हुई बेलू सर के ऊपर बा। और तमाम जनता के बीच पर हमने यह चाहब जाए कि जैसे बदलाव अभी आ रहा बा भोजपुरी में, झुकाव जिससे को श्रोता के प्रति जौन बन रहा बा साथ हमनी के समर्पित होकर जा, और कोशिश ही रही कि हमनी के अच्छा से अच्छा फिल्म परोसी जा, प्यार दिल पब्लिक के काम बा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बधाई, गाना आपका 4-5 मिलियन होने वाला है। जी थैंक यू सो मच आप लोगों को, और सबसे आनकी रूपनी बहुत अच्छी बात, साफ सुथरा गाना है सर, बहुत अच्छा गाना है, हम खुद मैसेज किए थे आपको कि गाना बहुत अच्छा है। सो मैं सर को, बेलू सर को बधाई देना चाहूंगी, छोटू सर को, कि इनका फिल्म है बिन के धुन, हाँ बिन के धुन, जो काफी अच्छा फिल्म है, नाम ही अच्छा है तो स्क्रिप्ट भी काफी अच्छा ही होगा। सो दोनों सर को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो फिल्म। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले सबको नमस्कार करूंगी और बता भी देना कि हम लोग महादेव, और रुक जाओ, जब सवाल करेंगे तो बोल देना, ठीक है, कि हमने हर हर मता। पहले सबको नमस्कार करती हूँ, मेरा नाम तो रानी शर्मा है और मैं फर्स्ट मूवी नातों के नाथ से स्टार्ट की, वो भी बेलू सर के वजह से। बेलू सर ने मुझे फर्स्ट चांस दिया, उसमें मैं पार्वती जी के करेक्टर में हूँ। और इस मूवी के लिए मैं विश करूँगी कि बहुत ही बहुत ज़्यादा सबको पसंद आए, बस। Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.